दोस्तों आज हम आए हैं कल्टीवेटर लेने के लिए, अपना 5310 को लेके। और पंजी कराने के लिए कल्टीवेटर चाहिए था हमको। और अभी यहाँ पे आए हैं, देखिए यहाँ पे कल्टीवेटर बहुत सारा है और अपना गाड़ी में जो फिट हो रहा है वहाँ पे है। तो ये कल्टीवेटर हम ले रहे हैं और यहाँ पे कि दूसरा टाइप का कल्टीवेटर देखिए, स्प्रिंग टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पथरी जो इलाका होता है, पत्थर वगैरह ज़्यादा रहते हैं और मिट्टी थोड़ा हार्ड रहता है, उसमें वो यूज किया जाता है। अभी हम आए हैं यहाँ पर सोनालिका, ये सोनालिका का वर्कशॉप है और ये कल्टीवेटर का भी जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग क्या डीलर है। तो अच्छा कल्टीवेटर मुझे यहाँ मिला अच्छे रेट में, तो उसी को यहाँ पे फाइनल कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अपना रोटावेटर वगैरह भी है। तो दोस्तों अपना 5310 ये रहा और आज कल्टीवेटर लेके निकलते हैं और कल से पंजी का काम जो है स्टार्ट करते हैं। और अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, नया नया गाड़ी है सोनालिका का, 42 से DI-42 DI-47 का। तो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आज आए हैं खेत में, पंजी करा रहे हैं अपना 5310 से। और ये अपना मेन हाईवे है NH 44। और ये पीछे देख सकते हैं इंडियन ऑयल का पंप है वहाँ पे, और वहीं पे अपना गाड़ी वगैरह का डीजल वगैरह फुल होता है। और यहाँ पे खेत में आए हैं तो ऐसा है दोस्तों, देखिए पीछे हमारा चल रहा है 5310, बहुत धूल उड़ रहा है, इसी के लिए स्कार्फ लेके आए हैं। तो यहाँ पंजी का काम करा रहे हैं और खेत दिखाता हूँ मैं आपको कैसे यहाँ जला दिया गया है, ताकि जो मशीन से कटाई वो ठीक हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने दोस्तों जो खेत है देखिए, ये रोटावेटर से किया गया है और इसका मिट्टी देखिए, ये पूरा पूरा बीट बीट छोटा हो गया है ना। और ये हमारा जो हो रहा है ये कल्टीवेटर से हो रहा है। तो इसमें क्या है देखिए, मिट्टी के बीच में दरार और लाइनिंग कुछ इस तरीके से होता है और थोड़ा डेप ज़्यादा अंदर से उठता है मिट्टी। तो क्या होता है देखिए, कहीं कहीं आपको थोड़ा गीला गीला भी नज़र आ रहा होगा, उसमें क्या होता है कि जो अंदर का मिट्टी जो नरम है ना और गीला है, वो ऊपर सतह में आ जाता है। तो नीचे का मिट्टी ऊपर और ऊपर का मिट्टी नीचे आ जाता है, तो ये फ़ायदा होता है। किसान जो
सही सलामत अपना खेती बाड़ी रखते हैं तो पहले इसमें अपना ऐसे कल्टीवेटर लगवाते हैं, उसके बाद फिर ये रोटोवेटर चलवाते हैं, तब ज़मीन का जो मिट्टी का क्वालिटी है वो बराबर मेंटेन रहता है। अभी देखिए इस समय आग लगा दिया गया है ताकि काम बढ़िया तरीके से हो। ये अपना 53-10 चल रहा है, 4x4 का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, टू व्हील ड्राइव में चल रहा है।